अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आ रहा है हीट कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। हम लोगों ने इन दोनों की इंटर कन्वर्जन देखी है क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक ऐसा हमारे पास लॉ होता है जिसमें टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये हम भी देखते हैं कि आज किस तरह वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट अ रेस्ट एट अ हाइट a अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसको मैंने m किया हुआ है, तो हमारे पास ये अर्थ की सरफेस है, a साइड के ऊपर जो है वो लाई करती है। जब a साइड के ऊपर लाई करती है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी जब टेंशन एनर्जी देखेंगे कि वो क्या होगी। लेकिन ये बात याद रखनी है, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखना है कि बॉडी जब ऊपर से नीचे फॉल करेगी देन देयर विल बी नो एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन को यहां पे हम लोगों ने इग्नोर करना है, इसलिए जब अलर्ट क्या हुआ बाय इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन वो किस तरह पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो एट पोजीशन ए जैसा मैंने बोला हाइट ए के ऊपर है, वो बॉडी जहां पर रेस्ट कंडीशन होगी उसकी पोजीशन को हम लोग ए का नाम देंगे और इसके ऊपर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट ए या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होगी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर जो है वो उसकी मोशन की वजह से पाई जाती है। लेकिन यहां पर हम जो भी कह रहे हैं कि बॉडी का रेस्ट कंडीशन है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को फार्मूला क्या है, बट mv प्लस ए। और यहां पर हमें पता चल जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है और उसकी वहां पर रेस्ट कंडीशन की वेलोसिटी जीरो होगी और वेलोसिटी के जीरो होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हेंस टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन ए के ऊपर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh है जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो टोटल इसकी हमारे पास एनर्जी आ जाएगी एट पोजीशन ए mgh। अब तो एफर्ट्स करिए कि वो बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। अब जब वो डाउनवर्ड आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में एक पोजीशन जिसका नाम बी है हम लोग वो कंसीडर करते हैं। जिस तरह ये पोजीशन ए थी अब पोजीशन बी है, यहां पर इसको ऑब्जर्व करना है कि इसके पास कौन सी एनर्जी है। तो देखिए बॉडी ए से बी तक जब मूव करती है तो वो डिस्टेंस एस कवर एक्स कवर करती है, जबकि उसकी जमीन से हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, एच माइनस एक्स आ जाएगी। टोटल में से क्या करेंगे, जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो माइनस कर देंगे। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं कि बॉडी जो है पोजीशन बी डिस्टेंस कवर कर दी है, ऊपर से नीचे वो x है जबकि उसकी जमीन से जो हाइट है वो h माइनस x है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसका फार्मूला बेसिकली क्या बनता है, mgh। लेकिन यहां पर जमीन से हाइट क्या हो गया है, h माइनस x है, इसीलिए इसका फार्मूला बन जाएगा mg h माइनस x। ये दो की बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी। नो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का अगेन वही फार्मूला 1/2 mv/2। अब यहां से हम उसकी जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां पर कुछ चीजें हैं वो सपोज करते हैं कि फर्ज करें हमारे पास जब बॉडी ऊपर से नीचे गई है यानी ए से बी पर आई है, तो यहां पर उसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल होगी, यहां पर होगी वो कौन सी होगी, फाइनल होगी। तो इसी के बिहाफ पर फाइनल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्पीड एट पोजीशन बी इनिशियल है वो ए के ऊपर है, ए के ऊपर जो कि बॉडी रेस्ट में होती है इसलिए वो जीरो है और डिस्टेंस इसने जो कवर किया है वो एक्स है, इसीलिए हमारे पास ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो वो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2gs = vf² - va², यहां पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए जी है, 2gs = vf² - va² s mean to say कि उसने डिस्टेंस कवर किया है a से b तक वो x है, तो इसलिए इसकी जगह पर d यानी कि x लिखेंगे और उसके बाद vf² यानी कि वेलोसिटी एट पोजीशन b, vb² vi² यानी कि वेलोसिटी एट पोजीशन a जो कि हमारे पास 0 है तो 0² आ गया, तो vb² = 2gx। इसी तरह से हमारे पास जो ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 m और vb की जगह पर क्या आ गया, 2gx, 2 से कट गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा वो mgx आ जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। अब जिस तरह हम लोगों ने पोजीशन b
के ऊपर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बताई है और काइनेटिक एनर्जी भी निकाली है, तो टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पोजीशन बी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने इस तरह के लिए बताया हुआ है कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, mg h - x, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है mgx। अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो mgh और mgx ये माइनस के काम से माइनस आ गया, इधर हमारे पास प्लस, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है जबकि ये काइनेटिक एनर्जी है। mgx से mgx से कट जाएगा, बाकी हमारे पास mgh रह जाएगा, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पोजीशन b व्हिच कवर अ डिस्टेंस s x फ्रॉम a टू b, जो कि a से b की तरफ डिस्टेंस x कवर करती है, तो इस पॉइंट पर उसकी जो टोटल एनर्जी आई है वो mgh के इक्वल आ गई है। अब सिमिलरली हमारे पास बॉडी क्या करती है, और नीचे मूव करती है और वो जमीन की सरफेस के करीब आ जाती है। ये लाइन आ रही है मतलब है कि जस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि जब वो सरफेस पर आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाएगी और वो बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और उस पोजीशन को हम लोग पोजीशन सी का नाम देंगे। तो पोजीशन सी के ऊपर जो है वो बॉडी भी है वो कौन सी एनर्जी होगी वो देखेंगे। अब हमने जो कि बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, h है, तो बॉडी अगर ऊपर से नीचे आ रही है बिंदु से, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो h कवर किया है, तो उस सूरत में हमारे पास जो इसका डिस्टेंस d है वो क्या हो गया, h हो गया। अब अगर हम लोग देखें यहां से यहां तक उसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो इसलिए h को जीरो कवर करेंगे, जीरो कहेंगे। एक बात फिर यहाँ पे जो आपने बोला वो ये है कि इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया a से c तक वो h है, जबकि हाइट इसकी सरफेस से बॉडी के दरमियान जीरो है, इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh h की जगह पे जीरो आ गया। जबकि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 m vc का स्क्वायर। अब ये vc क्या है हमारे पास, इसको हमें देखना है, ये वेलोसिटी एट पोजीशन c को हमने कैलकुलेट करनी है। तो फिर अगेन हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। vc यानी कि बॉडी जब a से c की तरफ आती है, ये a ये c है, इधर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, इधर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी, यानी कि vc इसके इक्वल आएगा फाइनल वेलोसिटी के, और a के ऊपर जो वेलोसिटी जो va थी वो जीरो थी, वो ये लिखा हुआ है कि vc इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, vi इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पोजीशन a जो कि जीरो है, क्यों, क्योंकि बॉडी वहां पर रेस्ट कंडीशन में थी। दैट यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as a 2ad is equal to vf square minus va square, जिस तरह मैंने आप लोगों को इधर पोजीशन b के बारे में बताया कि वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए a की जगह पर g आ गया, d की जगह पर h आ गया, vf की जगह पर vc आ गया और va की जगह पर 0 आ गया। तो इस सूरत में ये vc किसके इक्वल हो गया, हमारे पास 2gh के। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन c है वो क्या आएगी, 1/2 mgh, और उसके साथ h h जो मेन की vc के निकाले 2gh आ जाएगा, यहां से 2 से कट गया और हमारे पास जो फार्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन c mgh। अगर हम लोग कंपेयर करें ये जो हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो वो भी mgh के इक्वल आएगी, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी है वो इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। तो जिस तरह मैंने बताया कि हम लोगों ने पोजीशन a के ऊपर पोजीशन b के ऊपर पोजीशन c के ऊपर जो टोटल एनर्जी निकाली है, इन तीनों से भी क्या कंक्लूजन क्या रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट यही मिलता है कि एनर्जी जो है वो तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एनर्जी खत्म नहीं हुई। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज व्हेन द हाइट डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, मीन टू से कि जब बॉडी मूव करती है देन ड्यू टू इंक्रीजिंग वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, बट ड्यू टू डिक्रीज इन हाइट उसकी जो वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होती है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जब बॉडी हाइट h पर होगी उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जब c पर होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये तो तब था जब हमने क्या किया था, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया था। अब फॉरवर्ड हम लोग क्या कहते हैं कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसको एयर फ्रिक्शन फेस करना पड़ती है, जब एयर फ्रिक्शन फेस करना पड़ती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के इक्वल होगा, यानी कि वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है और उसको अगेंस्ट द फ्रिक्शन वर्क डन करना पड़ रहा है, तो फिर हमारे पास टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक नहीं चेंज होगी,
is equal to 1 by 2 v2 का स्केल माइनस v1 का स्केल, इधर जो इसकी वेलोसिटी होगी v1 होगी और इधर v2 होगी। तो यहां पर भी हमारे पास जो है वो यही पर आ जाता है कि उसकी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, और जब एयर फ्रिक्शन आ जाएगी साथ तो फिर हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जिसको हम लोग WF का नाम देंगे। शुक्रिया।